हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए अगर हम किसी भी सिस्टम के लिए ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो दो तरह की होती हैं एक हो जाएगी इंटेंसिव और दूसरी हो जाएगी एक्सटेंसिव पहले बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में तो देखिए किसी भी सिस्टम के लिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि सिस्टम में प्रेजेंट सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी विस्कोसिटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सरफेस टेंशन स्पेसिफिक हीट बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्री एनर्जी पर मोल और मोलर वॉल्यूम अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं देखिए अगर हम एक बीकर में 100 एम वाटर लेते हैं और दूसरे बीकर में 50 एम वाटर लेते हैं तो दोनों बिकर्स में जो वाटर प्रजेंट हैं उसके लिए डेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी मीन्स यहाँ पर जो डेंसिटी हैं वो वाटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रही हैं इसी तरह से इन दोनों बिकर्स में जो वाटर प्रजेंट हैं उसकी विस्कोसिटी भी सेम रहेगी या उसका सरफेस टेंशन भी सेम रहेगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी सिस्टम की इंटेंसिव प्रॉपर्टी सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं अब बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की तो किसी भी सिस्टम के लिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि सिस्टम में प्रेजेंट सब्सटेंस substance या सब्सटेंसेस के अमाउंट पर डिपेंड करती हैं इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वॉल्यूम मास फ्री एनर्जी नंबर ऑफ मोल्स एंट्रोपी एंथेल्पी और हीट कैपेसिटी अब देखिए अगर हम बीकर में वाटर का अमाउंट बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा और उसका मास भी इंक्रीज हो जाएगा तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिस्टम में प्रजेंट सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करती हैं तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर हम एक कंटेनर ले रहे हैं और उस कंटेनर में एक गैस फिल की हुई है अब इस गैस का वॉल्यूम V है और टेम्परेचर टी है अब देखिए अगर हम इस कंटेनर को बीच में एक पार्टीशन लगाकर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो दोनों पार्ट के लिए टेम्परेचर की वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर गैस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है लेकिन वॉल्यूम जो है वो गैस के अमाउंट पर डिपेंड करता है तो टेम्परेचर हो जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और वॉल्यूम हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अब देखिए इन दोनों डेफिनेशन के बेसिस पर हम ये कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम में एक सिंगल या प्योर सब्सटेंस सब्सटेंसेंट है तो उस केस में उस सब्सटेंस की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स और इन तीनों वेरिएबल्स में से कि दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है जैसे अगर हम उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और अगर प्रेशर या टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो उस केस में भी वॉल्यूम चेंज होगा अब देखिए अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं तो उस केस में उस सिस्टम की जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो सिर्फ इन तीन वेरिएबल्स में से किन्हीं दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगी देखिए अगर हम एन फिक्स रखते हैं लेकिन वॉल्यूम जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है अब अगर सिस्टम में दो या दो से ज्यादा गैसेस का मिक्सर प्रेजेंट है तो उस केस में उस सिस्टम की जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो उस सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट्स के नंबर ऑफ मोल्स पर भी डिपेंड करती हैं और इसके साथ साथ दो इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर भी डिपेंड करती हैं और अगर हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो इस केस में उस सिस्टम की इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वेरियस स्पीसीज की कंसंट्रेशन और दो इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर भी डिपेंड करती हैं अब देखिए अगर हम किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर मोल या पर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उस केस में वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है जैसे अगर हम मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो इसका मीनिंग डेंसिटी होता है और डेंसिटी एक तरह की इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है